कोइनडेस्क टोकन के एयरड्रॉप का आपको मैंने बताया था, अभी भी आप लोग क्लेम कर सकते हो, अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हो आप लोग। मैंने 50 अभी के लिए किए हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। अभी ये लॉन्च होगा, इसकी प्राइस $1 भी हो सकती है और $0.5 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हाईली चांसेस है कि ये इसकी प्राइस जो है वो $0.5 तक निकल सकती है जब ये लॉन्च किया जाएगा ऑफिशियली, किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने वैलेट के अंदर। यहाँ पर ट्रांसफ़र टू वैलेट, यहाँ पर आइए, वैलेट के मैंने कनेक्ट किया ये बीकी वाला, ये पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि कैसे बनना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पर के कैसे ट्रांसफ़र होते हैं हमारे। यहाँ पर $3 जो है वो हमारी ट्रांजेक्शन, कोई फीस वगैरह लगनी थी वो हमने पे कर दिया कि चलें हमारे कौन सा पैसे लगे हैं। इंस्टेंट विड्रॉ है तो देखते हैं कि उस टोकन, उस वैलेट के अंदर हमारे टोकन जब आ जाते हैं तो क्या हमारा नेक्स्ट सीन होता है। तो अभी कैप्चा, इधर कैप्चा लो स्कोर, यहाँ पर कैप्चा का कोई इशू वगैरह आ रहा है तो देखते हैं क्या सीन है। ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करते हैं, अभी कैप्चा आ जाएगा हमारे पास। उसके अलावा ट्रांसफ़र कैन टेक अप टू 5 मिनट्स, 5 मिनट लग सकते हैं आपको यहाँ पर, तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैंने ट्रांसफ़र कर लिया तो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए। यहाँ पर मेरे पास रिकैप्चा का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है आई थिंक, देखते हैं क्या सीन है। इसको दोबारा एक बार रीलोड करते हैं, ये इशू है या फिर ये एरर हो सकता है कि इसके विड्रा आप लोग ना करवा सको। लेकिन पहले तो होता रहा है विड्रा, एक दो लोगों का मैंने देखा है कि उन्होंने विड्रा करिए किए हैं अपने टोकन। अभी देखते हैं क्या सीन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको नेटवर्क का इशू आ रहा होगा। तो यहाँ पर यार कैप्चा का एरर आ रहा है, बेसिकली आपको यही बताना था मैंने। सही है, पहले तो ये ट्रांसफ़र होते रहे, अब मैं आपको बता दूँ कि 3 मिलियन इनकी कम्यूनिटी है, कोई यहाँ बात नहीं है ट्विटर पर। तो ये टोकन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पता है कि कम्यूनिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर इस तरह के एरर आपको देखने को मिलते हैं। तो 24 आवर्स वेट कर सकते हो आप लोग, विद इन 24 आवर्स ये इशू जो आ रहा है ये सॉल्व हो जाएगा। सही है, बकाया ये एक रियल प्रोजेक्ट है, आप लोग इसकी टेंशन ना लो, क्योंकि कोइन डेस्क की तरफ से ये ड्रॉप किया गया तो कोई इसके पीछे बैक एंड के ऊपर कोई प्रोजेक्ट ज़रूर होगा। अब प्राइस का थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, प्राइस क्या निकलेगी। प्राइस मैक्सिमम जो है $0.5 to $1 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ये टोकन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जब किसी टोकन की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो तो आपको पता है कि उसकी प्राइस बहुत कम होती है। मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी, ये आपको पता है बेसिक फार्मूला है इकोनॉमिक्स का, कि जब मार्केट के अंदर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाई कम हो जाती है, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड जो है फिर वो कम हो जाती है। तो अब आई थिंक इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो इसकी डिमांड कम है, इसकी प्राइस जो है वो बहुत कम होगी। इसी फार्मूले को लेकर हम लोग इसका कंसेप्ट अपना एक बना सकते हैं कि क्या इसकी प्राइस होगी। बेसिकली ये थोड़ा सा एरर आ रहा था, इसके बारे में भी आपको बताना था, उसके अलावा ये भी बताना था कि कैसे आपने ट्रांसफ़र वगैरह करने हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।